अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। ईदगाह पर बड़े हर्ष उल्लास के साथ अदा की गई ईद की नमाज। फिरोजाबाद के ईदगाह पर अदा की गई ईद की नमाज। नमाज की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की रही कड़ी सुरक्षा और नमाज में मौजूद रहे सभी अधिकारी डीएम और एसएसपी ने सभी को ईद की शुभकामनाएं दी और बताया कि नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। आज नमाज पढ़ी गई और फिरोजाबाद की जनता को क्या संदेश दिया गया? आज ईद के इस पर्व पर सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ नमाज पढ़ी। हर साल हम लोग कैंप लगाते हैं और सब लोगों से गले मिलते हैं और फिरोजाबाद की यह परंपरा रही है। फिरोजाबाद में हिंदू मुस्लिम किसी का भी त्यौहार हो सब लोग मिलजुल के मनाते हैं, एक दूसरे के घरों जाते हैं और गले मिलते हैं, बुराइयाँ दूर होती हैं, गले शिकवे दूर होते हैं। ऊपर वाले से यही दुआएं करेंगे ऐसे त्यौहार पर हम सब लोगों को एक साथ मिलने के लिए रास्ता बनाए और हम लोग जिस तरह से अमन चैन से फिरोजाबाद में त्यौहार मनाते आए हैं, फिरोजाबाद की जो परंपरा है उसी को हम कायम रखें। देखिए, फिरोजाबाद में जिस तरह से मिक्स आबादी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई पूरी कौमी एकता के साथ में यहाँ पर ईद का भी और जैसे सावन का आखिरी सोमवार है उसमें भी बहुत अच्छे से यहाँ पर आयोजन किया गया। प्रशासन पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्थाएँ थी उसको देख उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पर ईद की नमाज हुई है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और मिक्स आबादी है और उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे जो दुकानें लगती हैं और पूरा क्षेत्र है तो वो पूरा स्पेस देके हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और एक कौमी एकता का संदेश देते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे भारत की जो एकता अखंडता है उसको दर्शाता है, उस संप्रभुता उसको भी दर्शाता है और बहुत ही अच्छा सभी सोसाइटी के लिए एक पूरा अच्छा मैसेज देता है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम भाई जो हमारे देश के नागरिक हैं वो और बहुत ही अच्छा यहाँ पर संदेश दे रहे हैं वो एकता का। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ ईद उल अजहा की और आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। सभी जगहों पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हमें उम्मीद है कि सभी जगहों पे सकुशल सारे त्यौहार संपन्न हो, कहीं पे किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्लोबल करियर एकेडमी की ओर से सभी देशवासियों को, नगरवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर अपने सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि ये रक्षाबंधन और जिस दिन ये इसी दिन 15 अगस्त है हमारा स्वतंत्रता दिवस, आपके लिए बहुत शुभ, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, बेहद शुभ। ऐसे मैं शिवराज सिंह, श्री रघुवीर प्लाजा एंड दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल की तरफ से जनपद के सभी नगरवासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता। जहाँ क्लासिस परिवार की ओर से सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन के एवं 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामना, सभी देशवासियों को साथ साथ जनपद वासियों को, बच्चों को, पेरेंट्स को जिन्होंने जहाँ क्लासेस का नाम रोशन किया है, अपने जनपद का विशेष नाम रोशन किया है, क्योंकि IIT और मेडिकल जैसे एग्जाम में बच्चों ने बहुत अच्छी प्रतिभा इस साल दी है। मैं सभी जनपद वासियों को बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज हमारे विवाह शहर आज चूड़ियों से पहचाना जाता था, उसी प्रकार से आज विवाह शहर को शिक्षा नगरी से जाना जा रहा है। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं राजीव यादव, निवासी सुहाग नगर की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, ईद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।